अभी लॉक लगा है और सब पे। सर जी परमिशन नहीं मिल सकता? यहाँ से स्वर्ग शुरू है, सिर्फ इस बिल्डिंग में ही फूड कोर्ट भी होने वाला है। ये दिल्ली का मेट्रो स्टेशन भी इतना शानदार नहीं बना है जितना शानदार कि ये लग रहा है एकदम फाइव स्टार होटल। ये है महाराज नया। जय श्री राम महाराज, स्वागत है आपका अयोध्या में। और मैं हूँ इस समय अयोध्या के रेलवे स्टेशन पे, आप देख सकते हैं। और महाराज ये रात का समय है, करीब 7:30-8 बज रहा है। और मैंने सोचा कि देखो कि रात में क्या है यहाँ की सुंदरता। तो महाराज आप देख सकते हैं अभी जबकि वो नया वाला टर्मिनल, अभी महाराज ये टर्मिनल शुरू नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अभी लॉक लगा है और सब पे, तो ये अभी चालू नहीं हुआ है, बस केवल आदमी जा आ सकते हैं, टहल सकते हैं। तो मैंने सोचा कि एक ब्लॉग बना दिया जाए और दिखाया जाए कि रात में सुंदरता कैसी है। तो प्लेटफार्म पे मैं नहीं हूँ, मैं हूँ यहाँ पे, और आप देख सकते हैं मैं थोड़ा सा अंदर से दिखाता हूँ, अंदर तो नहीं बस बाहर से ही। आप देख सकते हैं बाहर का नज़ारा, अंदर का नज़ारा जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। सर जी परमिशन नहीं मिल सकता? परमिशन? अच्छा, तो देख सकते हैं महाराज जी लाख अंदर से और कह रहे हैं अभी कि परमिशन नहीं है, लाओ कि अभी की अभी काम चल रहा है जिस वजह से अभी नहीं। ओ खुला है महाराज, स्वागत है आपका। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ महाराज कि दर्शन मिल गए। मैंने सोचा कि नहीं दर्शन हो पाएगा और ये है महाराज नया रेलवे स्टेशन टर्मिनल अयोध्या का। और आप देख सकते हैं ये लग रहा है एकदम फाइव स्टार होटल। और अभी भी कुछ कुछ मेंटेनेंस हो रहा है, अभी बहुत काम होना बाकी है, हो रहा है सब डेकोरेशन का, 22 के पहले तक हो जाएगा पूरा। और इधर सब एस्केलेटर भी लगे हैं, उधर वेटिंग रूम है। महाराज एकदम फाइव स्टार होटल है। और इधर टिकट खिड़की भी एकदम वीआईपी, देख रहे हैं महाराज। जो टिकट इसमें बेचेंगे वो भी एकदम महसूस करेंगे कि हाँ हम भी बैठे हैं कहीं। तो महाराज ऐसा है इंटीरियर। मैंने पहले पूछा कि सब जगह ताला लगा, एक जगह से खुला है, कहे वहां से आप आ सकते हैं। देख लीजिए सब जगह ताला लगा है, यहाँ पे भी और सब जगह ताला है। एक जगह से महाराज एंट्री मिल गई और मैंने आपको दिखा दिया, वो भी रात में। दिन में तो सब लोग दिखाए होंगे मगर रात में महाराज मैं धन्य हो गया। जय श्री राम। और अकेला और बहुत कम लोग हैं यहाँ पे। और आप देख सकते होंगे ये ऊपर फैन लगा है, फैन भी एकदम वीआईपी है। और ये एस्केलेटर है जो कि अभी चल नहीं रहा है, देखता हूँ कि थोड़ा दूर जाके कि अच्छा आदत है मुझे जब वैसे ऊपर ही चले जाता है और इस पर चल रहा हूँ तो बड़ा वैसा लग रहा है। दो एक इधर एक उधर है। और महाराज बहुत जबरदस्त है। इधर भी अभी काम हो रहा है तो आवाज बहुत अच्छा नहीं आएगा। चलते हैं थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा इधर भी देख के। ये सेकंड पे भी छोटा सा वेटिंग एरिया है और सब एकदम अल्ट्रा लग्जरी, आप इसे एकदम अल्ट्रा लग्जरी कह सकते हैं। ऐसा मैंने दिल्ली में मेट्रो में
मैं भी टहला हूँ कई स्टेशनों पे, लिफ्ट भी आप देख सकते हैं, लिफ्ट भी लगी है। दिल्ली का मेट्रो स्टेशन भी इतना शानदार नहीं बना है जितना शानदार कि ये अयोध्या का रेलवे स्टेशन। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं एक आपको टूर दे पा रहा हूँ, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी महसूस हो रही है इस स्टेशन परिसर में। आप देख सकते हैं ये हमको लग रहा है चूहे का आकार का है, जो भी हो बहुत डिजाइन बहुत अच्छा है। और ऊपर का रूफ यहाँ से महाराज, तो महाराज मैंने उधर का उधर से गया था और दोनों तरफ एस्केलेटर है, केवल एस्केलेटर है ये है, बाकी वो नॉर्मल सीढ़ी नहीं है। और फिर आ गया वही एकदम मेन, ये जो स्ट्रक्चर बना है खूब ब्यूटीफुल सा, अभी इसको पेंट तो नहीं किया गया है लेकिन बहुत ही सुंदर है महाराज जी। और ये सब गेट नंबर 9, 10, 11, 12, 13, और इधर से गेट नंबर भी, और इधर प्लेटफॉर्म है, इधर बाहर एग्जिट है। तो कुल मिला जुला के महाराज जी बहुत ही स्वर्ग है ये। अब सर क्या बताया जाए, बयां नहीं कर पा रहे हैं वर्डों में कि क्या चीज़ है महाराज जी, एक धरोहर है। और देखिए कितने डिजाइन से, कितना बढ़िया मार्बल लगा के डिजाइन के साथ बनाया गया है, बहुत अच्छा लगा और बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है ये है, मैं बयां नहीं कर सकता। आप जल्द से जल्द अयोध्या आइए और इस फीलिंग को महसूस कीजिए, क्योंकि ये फीलिंग है जो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि कितनी यहाँ खुशी महसूस हो रही है इस नए टर्मिनल में जो कि 22 तारीख को रिलीज होगा। सो महाराज अंदर का तो सब खींच लिए हैं, अब चल रहे हैं थोड़ा सा बाहर भी। बाहर का नज़ारा कुछ इस प्रकार है, मैंने पहले ही दिखाया था, अंदर भी जन्नत है और बाहर, बाहर तो जन्नत ही है। फिर आ जाइए स्वर्ग में, यहाँ से स्वर्ग शुरू है, श्री राम जन्मभूमि, श्री राम की मिट्टी। तो महाराज मैंने पूरा कवर कर लिया है और आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ा महाराज हमको सपोर्ट करिए, थोड़ा शेयर करके और सब्सक्राइब करवा के दोस्तों से, क्योंकि मैं भी मेरा स्ट्रगल टाइम है, ताकि मैं आपको और अच्छा अच्छा कंटेंट दे सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही, तो बस महाराज इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।